विदिशा जिले के पठारी में बीना नदी पर बनने वाले हनुता बांध के डूब क्षेत्र वाले 8 गांव में किसानों की समस्याओं के निराकरण हेतु एसडीएम अंजलि शाह ने स्थानीय खुरी रोड कृषि उपज मंडी में शिविर का आयोजन किया है, जिसमें काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। डूब प्रभावित किसानों की मुख्य समस्याओं में R&R की समस्या, मुआवजा वितरण में देरी, सर्वे में छूटे गए कई मकान, 3D से कई परिवार वंचित, मुआवजा राशि के गणना पत्रक नहीं देने सहित और कई प्रकार की समस्याएं थी, जिनको लेकर SDM अंजलि शाह एवं हनुता बांध के SDO दिव्यांशु रोहित ने आवेदन लेकर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष रितेश जैन ने शिविर को महज खानापूर्ति बताकर प्रशासन पर किसानों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। आज डूब क्षेत्र के किसानों का SDM महोदय के समक्ष कैंप लगाया गया, उसमें समस्याएं रखी थी। गणना पत्रक की, मुआवजा अभी तक नहीं आया। गणना पत्रक की जब मांग की तो उन्होंने गणना पत्रक देने से इनकार कर दिया। बाद में जब फोर्स किया गया तो कहा गया कि पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराएंगे, जबकि हर किसान का हक है कि उसे अपनी परिसंपत्तियों का ब्यौरा मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मुआवजा राशि भी कई किसानों की नहीं आई है। 4 महीने पुराने नोटिस विगत 15 दिवस पहले बांटे गए हैं, तो थोड़ा सा रोष है किसानों में और वो चाहता है कि आगामी सुधार हो इन सब चीज़ों में, ऐसी अनियमितताएँ ना बढ़ती जाएँ। 4 महीने के पहले की तारीख थी नोटिस में और विगत 15 दिवस पहले नोटिस दिया गया है। इससे किसानों में थोड़ी सी नाराज़गी है और कहा है कि ऐसी गलतियां फिर दोबारा ना हों। हनुता बांध परियोजना के संबंध में किसानों को काफ़ी समस्याएं आ रही थी, कई लोग परेशान होकर गुरुवाई पहुंच रहे थे, तो ये डिसाइड किया था हमने, संबंधित जो WRD विभाग है उनके साथ बैठ के हमने आज जितने भी किसान हैं जिनकी समस्याएं थी प्रत्येक गांव के संबंध में, आज उनके संबंध में समस्याएं भी सुनी है, कुछ निराकरण भी किया है और निर्देश भी दिए संबंधित अधिकारियों को कि वो जल्दी से जांच करके इसका निराकरण करें। ये समस्या 4 महीने पहले भी लोगों ने एप्लीकेशन रूप में नहीं देखिए नहीं वो सारी हो चुकी है। 2 प्रकार की कार्रवाई चल रही है। अभी 3D का काम स्टार्ट हुआ है, पहले भूमि के संबंध में भुगतान की कार्रवाई चल रही थी, उसके संबंध में समस्त निराकरण किया जाके लगभग हमारा 90% जो है निराकरण हो चुका है और भुगतान भी हमारा लगभग 80% हमारा चल रहा है काम। इसमें किसानों का आरोप है कि 4 महीने पुराने नोटिस बांटे गए हैं, 28/4 की और 30 अगस्त को बांटे गए हैं। मैं संबंधित विभाग से बात करूँ, ये संबंध में चर्चा भी की है मैंने और मैं देखती हूँ कहाँ से विलम्ब हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।